चैप्टर बिल्कुल नया है आज का, सेकेंड ईयर बायो, क्रोमोसोम एंड डीएनए। क्रोमोसोम और डीएनए दरअसल एक ही टॉपिक का नाम है। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। हम इस चैप्टर में क्रोमोसोम को पढ़ लेंगे कि क्रोमोसोम है क्या चीज़, क्रोमोसोम का कंपोजिशन भी देख लेंगे, उसके शेप्स भी जाके देख लेंगे और फिर डीएनए पर आ जाएंगे। ये जो हम आज कहते हैं कि क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर जीन होते हैं, इस पर काफ़ी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया। रिसर्च के बाद पता चला कि क्रोमोसोम ऐसे धागे नमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर है यानी सेल के अंदर है, और इनके ऊपर जीन्स होते हैं और ये क्रोमोसोम जीन को माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जीन ट्रांसफ़र करते हैं। ये था कॉन्सेप्ट। तजर्बात के बाद पता चला ऐसा हुआ। ये ऐसी बात नहीं है कि साइंटिस्ट सो रहा था और वो उसने एक ख्वाब देखा कि भाई एक धागा है क्रोमोसोम, उसके ऊपर उसको जीन नजर आए, फिर वो सुबह जागा और उसने कहा कि यार क्रोमोसोम है उसके ऊपर जीन है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, एक भी नहीं, बहुत सारे साइंटिस्ट के मुसलसल मेहनत के बाद जो है हमें पता चला कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं, क्रोमोसोम जीन को कैरी करते हैं। ये दरअसल एक थ्योरी का नाम है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो खैर, जब आज हम देखते हैं कि क्रोमोसोम है क्या चीज़, क्रोमोसोम जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे नमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपके सेल के अंदर मौजूद होते हैं और अपने साथ जीन को कैरी करते हैं। ये क्रोमोसोम का डेफिनेशन है। क्रोमोसोम का सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया, देखा गया किसने, वाल्थर फ्लेमिंग ने। सबसे पहले वो एक सैलेमेंडर का लार्वा चेक कर रहा था, देख रहा था कि उस दौरान उसको ये धागे नुमा चीज़ें नज़र आई उसको। बाद में एक और साइंटिस्ट ने इन धागे नुमा चीज़ों का नाम रखा क्रोमोसोम। किसने रखा? वाल्डर। ये दूसरा साइंसदान है जिसने नाम रखा, देखा किसी और ने, नाम रखा किसी और ने। क्रोमोसोम के अंदर दरअसल दो चीज़ें हैं, क्रोम, ये जो क्रोम है, क्रोम हमेशा किसको बोलते हैं? कलर को बोलते हैं। सोम किसे बोलते हैं? बॉडीज को बोलते हैं। उस साइंटिस्ट को कलर्ड बॉडीज नजर आए तो उसने उनका नाम क्रोमोसोम रखा। अब क्रोमोसोम के बारे में अगर मैं आप बताऊं कि अगर आप कोई भी जिंदा चीज उठाओ, ह्यूमन है या प्लांट है, इंसान है, कोई भी प्लांट आप उठाओ, हर ह्यूमन, हर जानदार, सिर्फ इंसान नहीं, हर जिंदा चीज का जिस्म बना होगा किस चीज से? सेल से। इसके बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, तो उससे आप एक सेल निकालोगे। इसी तरह अगर आप किसी प्लांट में जाओगे तो प्लांट के अंदर भी बहुत सारे सेल्स हैं, प्लांट का जिस्म भी बहुत सारे सेल्स से बना। अगर यहां से भी आप एक सेल को उठाओगे तो इस सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा? न्यूक्लियस आपको मिलेगा। न्यूक्लियस कहां पर है? अंदर है। वो न्यूक्लियस आप बाहर निकालो। इसी तरह यहां पर भी न्यूक्लियस अंदर है, ये न्यूक्लियस आप बाहर निकाल दे तो ये जो है ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस चाहे एनिमल का हो या प्लांट का हो, दोनों के अंदर क्या पड़ा हुआ है? न्यूक्लियस के अंदर आपको नजर आएगा इस तरह से छोटे छोटे धागे नुमा स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, छोटे छोटे से धागे नुमा स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमेटिन कहेंगे या इनको हम लोग क्रोमोसोम कहेंगे। फर्क क्या है? जब ये धागे बहुत ज़्यादा पतले होंगे, बहुत ज़्यादा पतले होंगे, तब इनका नाम होगा क्रोमेटिन। और जब ये सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा होगा, जब ये सेल इरादा करे कि मैंने डिवाइड होना है, फिर ये धागे थोड़े से मोटे हो जाएंगे। और मोटे होने को बायोलॉजी में कंडेंस बोलते हैं, यहाँ पर कंडेंस्ड, ठीक है, अपनी केमिस्ट्री में कंडेंस का लफ्ज़ पढ़ा होगा, गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एक अलग बात है।
जब क्रोमोसोम का धागा मोटा हो जाए तब हम इसको क्या बोलेंगे, कंडेंस। और कंडेंस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को क्रोमोसोम बोलेंगे। सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन आपके जो क्रोमोसोम जो धागे हैं वो मोटे होंगे, इसका नाम क्या होगा, क्रोमोसोम। सेल डिवीजन से पहले, सेल डिवीजन से पहले बड़े पतले पतले होंगे, तब उसका नाम क्या होगा, क्रोमेटिन होगा, राइट। सो ये क्रोमेटिन और क्रोमोसोम के दरमियान फ़र्क अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मुझे क्वेश्चन करते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है। अच्छा, तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट कि भाई क्रोमोसोम कहाँ पर है। हर जिंदा चीज़ के सेल के अंदर न्यूक्लियस में जाए वहाँ पर क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे जानदार हैं जिनके पास न्यूक्लियस है ही नहीं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, प्रोक्योरियोट्स, जैसे कि बैक्टीरिया। प्रोक्योरियोट्स में न्यूक्लियस तो नहीं है लेकिन उसके अंदर क्रोमोसोम मौजूद है। अच्छा, अब अगर हम लोग क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की तरफ आए कि क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी क्या है, वहां पर कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पर आ जाए, मॉर्फोलॉजी के अंदर वही स्ट्रक्चर आप देते हैं कि भाई शेप किस तरह का है। क्रोमोसोम, अगर आप एक क्रोमोसोम उठाओगे तो क्रोमोसोम के दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक क्रोमोसोम के दो स्ट्रैंड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूं भाई ये एक क्रोमोसोम है, दिस इज वन क्रोमोसोम, ये सिंगल है, नहीं इसके साथ एक और क्रोमोसोम भी होता है, दो स्ट्रैंड्स होता है, दिस इज एक्चुअली वन क्रोमोसोम। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि एक और क्रोमोसोम है, ये दरअसल एक ही क्रोमोसोम है और ये उसकी एग्जैक्ट कॉपी है। सो टू स्ट्रैंड्स है, ऐसे दो स्ट्रैंड्स को हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड्स। सो दिस वन टू, दिस इज कॉल्ड, दीज टू आर कॉल्ड क्रोमैटिड्स। ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, बट इस क्रोमोसोम का आप लोग दो काउंट नहीं कर सकते हैं, दिस इज क्रोमोसोम नंबर वन, एक क्रोमोसोम के दो कॉपीज है, राइट, एंड वी कॉल इट क्रोमैटिड्स। और जो क्रोमैटिड्स होते हैं, क्रोमोसोम जो होते हैं, कोई भी क्रोमोसोम हो, उसके अंदर एक कॉन्स्ट्रिक्शन है, जैसे कि ये देख, ये एक क्रोमोसोम है, ये सारा मोटा जगह है और यहाँ पर आकर क्या हुआ है, क्रोमोसोम क्या हुआ है, तंग हुआ है ना, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन इसको बोलते हैं, यहां पर वो थोड़ा सा तंग हुआ है। सो यहां पर क्रोमोसोम के अंदर एक कॉन्स्ट्रिक्शन लगा हुआ है जिसका नाम है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो दो क्रोमोसोम्स थे, वो जो क्रोमैटिड्स है, क्रोमैटिड्स जो थे वो एक दूसरे के साथ अटैच है इस जगह पर, तो ये जगह क्या नाम क्या है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर वो जगह है जहां दो क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और सेंट्रोमियर के अंदर, सेंट्रोमियर तो जगह है, सेंट्रोमियर के अंदर एक किस्म का प्रोटीन है, उसका नाम है काइनेटोकोर प्रोटीन। वो प्रोटीन दरअसल एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम के साथ बाइंड किया हुआ है, और वो जो क्रोमैटिन प्रोटीन है वो अपने साथ स्पिंडल फाइबर को अटैच करेगा। ये बात की बात है, सेल डिवीजन में हम लोग उसको पढ़ेंगे कि वो जो स्पिंडल फाइबर का धागा है वो क्रोमोसोम के साथ कहां पर अटैच होगा, काइनेटोकोर प्रोटीन। सो काइनेटोकोर प्रोटीन जहां पड़ा हुआ है वहां पर एक कंस्ट्रिक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर जो है बाज़ औक़ात क्रोमोसोम के दरमियान में आएगा, बाज़ औक़ात दरमियान से थोड़ा आगे होगा, बाज़ औक़ात एंड पे होगा। तो सेंट्रोमियर जो है मुख्तलिफ क्रोमोसोम में चेंज होता है, कभी सेंटर में, कभी एंड में, कभी थोड़ा सा एंड में, इस तरह से। और याद रखिएगा कि क्रोमोसोम जो है मुख्तलिफ जानदारों में उसकी तादाद डिफरेंट होती है, बाज में दो, बाज में चार, बाज में सौ, बाज में पचास। जैसे कि एक एग्जांपल है ह्यूमन, इंसान के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, और 46 क्रोमोसोम के अगर जोड़े बनाए जाए, होमोलोगस पेयर्स बनाए जाए, सो 23 पेयर्स बनेंगे, ठीक है, राइट। अच्छा, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन तो हो गया कि भाई प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को हम लोग सेंट्रोमियर भी बोलते हैं। बाज कुछ क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं जिनमें प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन तो ये है ना, दिस इज द
प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन से थोड़ा सा आगे जब एक और कंस्ट्रिक्शन है, फिर से वो इलाका तंग हुआ है, एक और कंस्ट्रिक्शन भी है, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो है यहां पर इसको बोलते हैं, और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को हम लोग न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी बोलते हैं। ये जो इलाका है हर क्रोमोसोम पे नहीं है, कम से कम एक होमोलोगस क्रोमोसोम पे जरूर होगा। ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये दरअसल इसका काम क्या है, ये न्यूक्लियोलाई बनाते हैं। आपने न्यूक्लियोलाई का नाम सुना होगा, एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के अंदर एक और बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, जहाँ राइबोसोम्स बन जाते हैं, जहाँ राइबोसोम्स बन जाते हैं, द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। तो ये जो न्यूक्लियोलाई है वो दरअसल ये बनाते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर ही, इसलिए इसका तो नाम रखा गया न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ भी है कि ये जो इंड है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो इंड आ रहा है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद जो इंड आ रहा है, नोब लाइक स्ट्रक्चर है, नोब थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर है, नोब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, जो नोब लाइक स्ट्रक्चर, और सैटेलाइट के अंदर फालतू डीएनए पड़ा हुआ है, यूजलेस डीएनए, उस यूजलेस डीएनए को जंक डीएनए भी कहा जाता है। सो सैटेलाइट का लफ्ज दरअसल किसे कहते हैं, यूजलेस डीएनए या जंक डीएनए को कहते हैं। सही है, तो ये था क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सैटेलाइट डीएनए। और अब हम आ जाते हैं, ये तो आपको मैंने एक क्रोमोसोम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि भाई क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर होता है, सैटेलाइट होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है। सही है, अब हम आ जाते हैं क्रोमोसोम्स को क्लासीफाई करते हैं, क्रोमोसोम्स के मुख्तलिफ शेप में अवेलेबल है। और सॉरी, एक और चीज़ जो तो इधर में लिखा हुआ, टेलोमर्स। टेलोमर्स क्या है, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का ये इंड है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज इंड ऑफ क्रोमोसोम एंड दिस इज अगेन इंड ऑफ क्रोमोसोम। ये जो इंड ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टेलोमर्स। इनका एक बहुत बड़ा अच्छा फंक्शन भी है टेलोमर्स का, वो फंक्शन ये है कि इस टेलोमर्स की मदद से एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ यहाँ अटैच नहीं होगा। अगर ये टेलोमर्स ना होते तो दो क्रोमोसोम एंड पे एक दूसरे के साथ अटैच होते। सो टेलोमर्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं क्रोमोसोम्स की अटैचमेंट को। टर्मिनल एंड जो टेलोमर्स होते हैं वो क्रोमोसोम के दरमियान में कभी नहीं होंगे, वो कहाँ पर होंगे, क्रोमोसोम का जो टर्मिनल है, आखिरी हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज टेलोमर्स। और इसका फंक्शन ये है कि प्रिवेंट करे अटैचमेंट को। नाउ कम टू क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हम लोग क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर की पोजिशन पे। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो सेंट्रोमियर है वो मूव करते हैं। ठीक है, तरह से गैस हीटर ज़रा लगाएं, सर्दी बहुत है। अच्छा, जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है उस हिसाब से हम क्रोमोसोम को क्लासिफाई करते हैं। ये आपके सामने क्रोमोसोम है। देखिए, क्रोमोसोम को आमतौर पर लेक्चर के दौरान हम लोग ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, सिंपल, ये वो सिंगल है। अगर मैं इस तरह लिखूं तो दरअसल ये क्या शो कर रहा है, ये क्रोमोसोम का पार्टनर यानी क्रोमैटिड शो कर रहा है। सो नो, डोंट वरी, अगर सिंगल क्रोमोसोम को मैं शो करूं तो उधर भी सेंट्रोमियर है और इस तरह इसमें भी सेंट्रोमियर है। तो यहां पर अगर आप देखें, यहां पर जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल सेंटर में है। अगर आप इसको यहां से देखें, इट इज इन द सेंटर, राइट। और इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, वी शेप कर दिया, सेंट्रोमियर इज इन द सेंटर। ऐसा क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर कहां पर है, सेंटर में है, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये आपका पहला क्रोमोसोम इस तरह के होते हैं। सेकेंड पर आवाज जरा आ जाओ, इधर आपको क्या नजर आ रहा है, द सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। वो जो सेंटर यहां पे था ना, लेकिन ये सेंटर से थोड़ा सा आगे चला गया है। एंड वी विल राइट इट लाइक दिस,
सेंट्रोमेयर सेंटर से थोड़ा सा आगे चला गया है। अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एल शेप, राइट। सो सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, ये आपका दूसरा कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी का नाम क्या है? एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में जरा आप क्या लिखा क्या है, ये सेंट्रोमेयर है, देखिए इसके बाद ये क्या है, दिस इज द सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये वाला जगह जो है इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इंड के बिल्कुल करीब है। दिस इज द इंड, दिस इज द क्रोमोसोम का इंड है, और ये उसके बहुत ज्यादा करीब है, नियर टू द इंड। सो अगर सेंट्रोमियर इंड के करीब है, क्रोमोसोम के इंड पे नहीं है, क्रोमोसोम के इंड के करीब है, सो दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक। द सेंट्रोमियर इज नियर द इंड, इंड यहां पर है लेकिन ये सेंट्रोमियर उसके साथ अटैच है। देन द लास्ट वन इज कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में आप गौर से देखिए कि वहां पर कोई दूसरा आर्म है ही नहीं, सिंगल आर्म है, दूसरा आर्म इधर होना चाहिए था लेकिन वो बिल्कुल है ही नहीं, और आपका सेंट्रोमियर एग्जैक्टली कहां पर है, इंड पे है। सो एट द एंड, ये क्रोमोसोम का एंड है, यहां पर आपका सेंट्रोमियर पड़ा हुआ है। सो व्हेन द सेंट्रोमियर इज एट द एंड, सेंट्रोमियर इज नियर टू द एंड, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर एंड सेंटर। दो को सेंटर के हिसाब से बोला जाएगा, एट द सेंटर, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, बाकी दो को इंड के साथ बोलेंगे, नियर टू द एंड एंड एट द एंड। ये चार किस्म के क्रोमोसोम आए। अब हम आपको बताते हैं इसी लेक्चर के दौरान, कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा, 10-12 मिनट और लेंगे, कि जो क्रोमोसोम है उसको अब हम थोड़ा सा अंदर जाकर देख लेंगे, ठीक है। आप क्रोमोसोम को क्या देखते हैं, देखना चाह रहे हैं कि भाई एक धागा है, बस इतना सा है। हम लोग क्रोमोसोम जिसे आप लोग धागा बोल रहे हैं, उस धागे के अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या है। सो यहाँ से मैं मिटाना चाहूँगा ताकि कॉन्सेप्ट आपका मजीद क्लियर हो जाए। सही, ओके। सो लेट्स सपोज मैंने आपके सामने रखा कि भाई ये रहा एक क्रोमोसोम, राइट, दिस इज वन क्रोमोसोम। अगर आप इस क्रोमोसोम के अंदर जाके देखोगे तो क्रोमोसोम के अंदर आपको नजर आएगा धागा, नजर आएगा, सही है? और वो एक धागा नहीं होगा, उस धागे ने अपने आप को क्वाइल किया होगा और रैप किया होगा, सही है? तो ऐसे धागे को मैं आपकी आसानी के लिए कुछ इस तरह से लिखूंगा। अब इस धागे का एक छोटा सा हिस्सा हम बाहर लाएंगे, देखना है ना, पढ़ना है। इस क्रोमोसोम के अंदर धागा अगर आप ओपन करके बाहर निकालोगे, ओपन करोगे, तो ये जो धागा होगा, सारा सारा का सारा धागा जो है, इट विल बी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना लंबा होगा ये धागा? 5 सेंटीमीटर लंबा धागा होगा, जिसे पूरा का पूरा क्रोमोसोम बना हुआ है। चले, हमने इस धागे को बाहर निकाला। जब आप इस धागे को बाहर निकालोगे तो ये जो धागा है, दरअसल ये धागा डीएनए कहलाता है। जब आप क्रोमोसोम के अंदर से सबसे पतला धागा आप निकालोगे, सबसे पतला धागा आप निकालोगे,
उसको क्या कहेंगे? डीएनए। पता है कितना मोटा है ये? दिस इज, चले मैं थोड़ा बताऊं आपको, दिस इज ओनली 2 नैनोमीटर। इतना सा पतला धागा है, 2 नैनोमीटर। अब अगर आप इस धागे को थोड़ा सा क्वाइल करोगे, क्वाइल करो, कंडेंस करें, तो जब ये क्वाइल हो जाएगा, क्वाइल होने के बाद ये मोटा हो जाएगा या पतला हो जाएगा? मोटा हो जाएगा ना। तो 2 नैनोमीटर से ये पहुंच जाएगा कितने पर? 30 नैनोमीटर पर। सबसे बारीक तरीन धागा क्रोमोसोम, जो मजीद आप उसको पतला नहीं कर सकते हैं, उसका नाम क्या है? डीएनए। कितना मोटा है? जस्ट 2 नैनोमीटर। आप इस डीएनए को क्या करें? रैप करें, थोड़ा सा रैप करें, ये थोड़ा मोटा हो जाएगा 30 नैनोमीटर। इसको आप और रैप कर दें और मोटा हो जाएगा, तो ये 30 से 300 नैनोमीटर हो जाएगा। मतलब ये अभी तक क्रोमोसोम नहीं बनेगा इस तरह से, ये मजीद अपने आप को रैप करेगा, जिसका नाम है, जब ये आप अपने आप को मजीद रैप करेगा, मजीद फर्दर जब ये अपने आप को हायर ऑर्डर में क्वाइल करेगा, तो इसका जो डायमीटर है वो पहुंच जाएगा 700 नैनोमीटर पर। आखिरकार लास्ट में जिसे आप लोग सुपर क्वाइल बोलते हैं, लास्ट में सुपर क्वाइल, लास्ट में बहुत सारा रैप करके, बहुत सारा रैप करके, क्वाइल करके, आखिरकार ये क्रोमोसोम बनाएगा। क्रोमोसोम की जो मोटाई है वो 1400 नैनोमीटर है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्रोमोसोम। कितना मोटा है ये? 1400 नैनोमीटर एग्जैक्टली। अगर यस इट इज 1400 नैनोमीटर, यानी इस क्रोमोसोम के अंदर जो धागा है उसने अपने आप को एक बार क्वाइल नहीं किया है, बार बार क्वाइल किया हुआ है, हायर ऑर्डर में सुपर क्वाइल करके आखिरकार हमें क्या मिला? क्रोमोसोम कितना मोटा है? 400 नैनोमीटर। अगर आप इस प्रोसेस को रिवर्स करो, यानी इसको वापस खोलते जाओ, ओपन करते जाओ, ओपन करोगे 700 नैनोमीटर, मजीद ओपन करो 300 नैनोमीटर, पतला हो जाएगा और पतला हो जाएगा, आखिरकार इतना पतला हो जाएगा कि वो 2 नैनोमीटर हो जाएगा। 2 नैनोमीटर से मजीद पतला नहीं हो सकता। 2 नैनोमीटर वाला जो पतला धागा है इसको क्या बोलते हैं? दैट इज डीएनए। हम लोग क्रोमोसोम के अंदर कहां पे पहुंच गए? डीएनए पर आ गए। जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं इस वक्त वो है ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोजिशन ऑफ, क्या लिखूं, क्रोमोसोम। ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम ये टॉपिक है भाई। यहां तक ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन खत्म हुआ, ठीक है, थोड़ा बहुत रहता है। ये था ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए भाई क्रोमोसोम ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, ये है क्वाइलिंग, सुपर क्वाइल। अच्छा, अब मैं ये जो डीएनए का जो धागा है, इस धागे को डबल कर लेता हूं, मेक इट डबल लाइक दिस। क्यों, इसको क्यों डबल करना? वो जो सिंगल धागा था ना, गौर से हमने जब देखा इसको, वो दरअसल 2 पतले धागे थे। और डीएनए, आपको पता है डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल। इसके ऊपर ऑलरेडी हम एक लेक्चर दे चुके हैं, अपलोड भी हो चुका है। सो डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड। ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, और ये जो डबल स्ट्रैंड है, इस डबल स्ट्रैंड को अगर आप देखें तो ये आगे जाकर
प्रोटीन, एक खास किस्म का प्रोटीन है और उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है और उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टामर्स। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्टामर्स प्रोटीन है, चूंकि वो आठ है तो ऑक्टामर बोलते हैं। और उस प्रोटीन का जो नाम है वो है, कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन। हिस्टोन बेसिक प्रोटीन है। आगे जा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा प्रोटीन बेसिक है, एसिडिक भी है, कुछ प्रोटीन बेसिक होते हैं। तो ये जो हिस्टोन है ये कौन सा प्रोटीन है? इट इज बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन जो होता है उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। याद रखिएगा, आपने पढ़ा था कि प्रोटीन के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं अमीनो एसिड्स। तो इस हिस्टोन में जो अमीनो एसिड्स है वो कौन कौन से हैं? वो है आर्जिनिन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। ये आर्जिनिन और लाइसिन दरअसल क्या है? ये अमीनो एसिड्स हैं। कौन से? एसिडिक नहीं, बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। और इन अमीनो एसिड्स की वजह से ये जो प्रोटीन है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, सो हिस्टोन प्रोटीन में कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये जो रेड कलर है, आठ हिस्टोन के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, इनके ऊपर अब ये जो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है, डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है वो इनके ऊपर क्या करेगी? इस तरह से इनके ऊपर रैप करके आगे की तरफ जाएगा। आगे फिर क्या होगा? फिर इसी तरह कहानी, आगे फिर इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 प्रोटीन के मॉलिक्यूल। कौन से प्रोटीन के मॉलिक्यूल? हिस्टोन प्रोटीन, और उसको ऑक्टामर भी बोलते हैं। इसके ऊपर फिर से क्या होगा? ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल है ये इसके ऊपर रैप करेगी, इस तरह से रैप करेगी और आगे की तरफ जाएगी। सही है, ऐसा चलता रहेगा। सारा जो क्रोमोसोम का धागा है उसमें ये सिलसिला चलता रहेगा। सो अब हमें पता चला कि एक क्रोमोसोम के अंदर दरअसल दो चीजें होती हैं। कौन सी? नंबर वन डीएनए, नंबर टू प्रोटीन। डीएनए 40% है, प्रोटीन 60% प्रोटीन है। एक और सवाल कि ये जो डीएनए और प्रोटीन है ये एक दूसरे के साथ कैसे अटैच हुए हैं? तो उसका जवाब बड़ा आसान है। डीएनए पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। वजह, डीएनए के अंदर नेगेटिव चार्ज इसलिए क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? PO4। फॉस्फेट पे माइनस का चार्ज है ना, सो डीएनए ओवरऑल कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए नेगेटिव चार्ज ऑफ द डीएनए एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटीन मेक दीज टू थिंग्स गेट अटैच विद ईच अदर। सही है, सो ये आपने याद रखना है, प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, इसीलिए उनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाती है। अब आपके पास ये जो दो चीजें हैं, एक कौन सा है? एक है हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा क्या है? डीएनए। इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो इन दोनों को कंबाइन करने से जो चीज बनेगा दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड व्हाट? न्यूक्लियोसोम। ये भी न्यूक्लियोसोम है, ये भी एक न्यूक्लियोसोम है। एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के दरमियान जो डीएनए है दिस इज कॉल्ड एज विच डीएनए? लिंकर डीएनए इसको बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है?
स्पेसर डीएनए भी इसको बोलते हैं, लिंकर डीएनए या स्पेसर डीएनए। इसके अंदर 200 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं? 200 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं इस डीएनए में। और याद रखिएगा कि डीएनए एक जो एक आपके आपके सामने एक धागा है, डीएनए के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। जिस तरह दीवार के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स है ईंट, प्रोटीन के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स है अमाइनो एसिड्स, डीएनए के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो है यहां पर कितने न्यूक्लियोटाइड्स है? 200 न्यूक्लियोटाइड जो है यहां पर मौजूद होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स आपका टॉपिक का इस वक्त हिस्सा नहीं है, न्यूक्लियोटाइड आप जा सकते हैं दूसरे मेरे लेक्चर में, वहां पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड डीएनए किस तरह बना लेते हैं। राइट, अब हम आगे थोड़ा सा जाते हैं। लिंकर डीएनए के बाद, स्पेसर डीएनए के बाद हम थोड़ा सा और फर्दर जाएंगे कि वो जो हमने पढ़ा था जीन, वो क्या चीज है? जीन यही जो धागा है, इस धागे के अंदर अगर आप देखिए छोटे छोटे यूनिट्स आपको नजर आएंगे। क्या क्या नजर आएंगे? छोटे छोटे यूनिट्स आपको नजर आएंगे। अभी अभी मैंने इसका नाम आपके सामने कहा, क्या नाम था उसका? बिल्कुल, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड का नाम अगर आपको याद हो, एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन, थायमिन। ठीक है, सो ये जो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स का एक सेगमेंट है, ये जो एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट को आप लोग क्या नाम दोगे? ये एक जीन है। इसी तरह डीएनए का ये जो सेगमेंट है, इसको आप दूसरा नाम दे सकते, दूसरा जीन है। इस तरह चलते जाइए, ये जितना भी लंबा सा धागा है उसको आप छोटे छोटे टुकड़े बनाओ, हर टुकड़ा एक जीन होगा। सो क्रोमोसोम दरअसल क्या हुआ? यस, क्रोमोसोम एक अलग चीज नहीं है। हम ये समझ रहे हैं कि क्रोमोसोम एक अलग चीज है, जीन अलग चीज है जो इसके ऊपर पड़े हुए। नो, जीन इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। अगर आप क्रोमोसोम से डीएनए निकालोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्रोमोसोम बेचारा खुद डीएनए से बना हुआ है, डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम। हाँ, वो अलग बात है कि प्रोटीन शामिल हुआ तो प्रोटीन प्लस डीएनए ने क्या बनाया? क्रोमोसोम बनाया। अब जो जीन है, डीएनए के ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स है, दिस इज कॉल्ड एज जीन। समटाइम अगर हमसे पूछा जाए कि भाई जीन क्या है, तो जीन को दो तरीकों से डिफाइन करेंगे, अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड अ जीन, और जीन का दूसरा डेफिनेशन, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि ये माँ बाप से खसूसियात को बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट, यहां तक हो गया आपका क्रोमोसोम की कंपोजिशन भी आ गई। ठीक है, अब हम आपको एक और चीज भी बताते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। ये भी एक लफ्ज है यहां पर जो मैं आपको जल्दी जल्दी बताना चाहूंगा। एक है हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब यह है कि क्रोमोसोम का वो हिस्सा जिसने अपने आप को बहुत ज्यादा क्या किया हुआ है, कंडेंस किया हुआ है। जो क्रोमोसोम का जो हिस्सा कंडेंस हुआ है, वो वाले जीन काम नहीं करेंगे। क्या करें? काम नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं होंगे। सो हेटेरोक्रोमेटिन दरअसल क्रोमोसोम का वो हिस्सा है जिसने अपने आप को बहुत ज्यादा कंडेंस किया हुआ है, जिसके जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे। राइट, दूसरा कौन सा क्रोमेटिन है? दूसरा जो क्रोमेटिन है हमारे पास वो है ईयूक्रोमेटिन। ईयूक्रोमेटिन वो क्रोमोसोम होता है जो कि इतना ज्यादा कंडेंस नहीं हुआ है और जिसके जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ईयूक्रोमेटिन। ये क्रोमोसोम के अंदर आपको मैंने बता भी दिया था कि कितने ज्यादा सुपर क्वाइलिंग होती है। ठीक है, वही उसी की बात हो रही है। हाईली कंडेंस पार्ट इज कॉल्ड, क्रोमोसोम का हाईली कंडेंस पार्ट इज कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमेटिन, एंड वेरी लेस या नॉन कंडेंस पार्ट इज कॉल्ड एज ईयूक्रोमेटिन। इसके जीन एक्सप्रेस होंगे और इसके जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे।
कभी कभी क्या होता है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है उस वक्त ये वाला जो क्रोमोसोम है ये भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपर कॉइल कर दे ताकि इसके जीन भी एक्सप्रेस ना हो। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम थोड़े से टाइम के लिए अपना जीन एक्सप्रेशन क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो उसके लिए क्रोमोसोम को क्या करना होगा, क्रोमोसोम को सुपर कॉइल अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉइल करना होगा, हाईली कंडेंस करना होगा। हाईली कंडेंस क्रोमोसोम के जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे। एक बार सेल डिवाइड हो गया उसके बाद क्रोमोसोम अपना नॉर्मल हालत में आ जाता है और अपना जीन एक्सप्रेस करना शुरू कर लेते हैं। थैंक यू, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सी इन द नेक्स्ट टॉपिक।